प्लास्टिक शेकर वर्सेस मेटल शेकर, कौन सी चॉइस ज़्यादा बेटर है जिम रैट्स वालों के लिए? आज के वीडियो में हम इसे कुछ पॉइंट्स में समझेंगे, टू बी प्रिसाइज हम 6 पॉइंट में समझेंगे कि कौन सा शेकर आपके लिए एक बेटर चॉइस है। सबसे पहले पॉइंट में हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो आप लोग ने नोटिस किया होगा, जो भी लोग प्लास्टिक शेकर इस्तेमाल करते हैं, कि अगर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक शेकर हाथ से गिरता रहता है तो उसका कैप लूज़ हो जाता है और लीकेज की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्लास्टिक शेकर गिरने के बाद क्रैक ही हो जाता है। क्रैक हो गया तो बेकार ही हो गया। बहुत सारे लोग इवन अपना प्लास्टिक शेकर जिम में भी लेके जाते हैं, जिसमें वो इलेक्ट्रॉल मिला के पीते हैं या नॉर्मल पानी पीते हैं, BCAA पीते हैं, EAA पीते हैं, और जो जिम होता है उसका एनवायरनमेंट बहुत बिजी होता है तो शेकर गिरता पड़ता रहता है। इनफैक्ट धुलते वक्त भी कभी कभी शेकर गिर जाता है। तो अगर वो गिर गया तो लीकेज की प्रॉब्लम, क्रैक की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो आपको फेंकना पड़ता है। तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो स्टेनलेस स्टील शेकर्स में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप उसे ज़्यादा तेज गिरा भी देते हैं तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा बम्प आ जाता है, डेंट आ जाता है, पर उसमें ऐसी लीकेज की प्रॉब्लम, क्रैक की प्रॉब्लम नहीं आती। तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, ज़्यादा चलने के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, स्टेनलेस स्टील शेकर इज़ ऑलवेज अ बेटर चॉइस। दूसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो वो है इजी टू क्लीन। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे सहमत होंगे कि प्लास्टिक शेकर में जब आप शेक पीते हैं और उसको शेक पीने के बाद धुलते हैं तो आप नोटिस करते होंगे उसमें से बदबू आती है, वो वे प्रोटीन की फ्लेवर की थोड़ी थोड़ी स्मेल आती ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो पोरस मटीरियल होता है, मतलब वो आपके लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है। स्टेनलेस स्टील शेकर जो होता है वो नॉन पोरस मटीरियल होता है। स्टेनलेस स्टील शेकर में आप बदबू या फिर जिस फ्लेवर का वे प्रोटीन आपने पिया है वो धुलने के बाद आपको महसूस नहीं होगी। और क्योंकि स्टेनलेस स्टील एक नॉन पोरस मटीरियल है, इसलिए इसे क्लीन करना भी बहुत ईजी है। इसको आपको ज़्यादा रगड़ रगड़ के वो जो शेक होता है वो छुड़ाना नहीं पड़ता है। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं प्लास्टिक शेकर इस्तेमाल करता था तो कभी कभी मैं शेक पी के ना उसको धुलना भूल जाता था, और कभी कभी तो मैं अगले दिन धुला हूँ तो जब अगले दिन उसको खोलता था तो ऐसी गंदी स्मेल आती थी कि मन करता था शेकर ही फेंक दें। वेल, स्टेनलेस स्टील शेकर में अगर आप एक दिन बाद भी धुलते हैं तो भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो एक नॉन पोरस मटीरियल है, वो लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो ईजी टू क्लीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा जो स्टेनलेस स्टील शेकर है वो क्लियर विनर है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है टेम्परेचर मेंटेनेंस। देखिए, स्टेनलेस स्टील शेकर में अगर आप अपना प्रोटीन शेक बनाते हैं ठंडे पानी में तो वो शेकर उस प्रोटीन शेक को लंबे टाइम तक ठंडा रखता है। ये टिपिकली उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जो लोग ट्रैवल करते हैं और ट्रैवलिंग करने से पहले अपना शेक जो है बना के लेके जाते हैं। एक घंटे बाद भी अगर आप स्टेनलेस स्टील शेकर में अपना प्रोटीन शेक बना बनाया पियेंगे तो आपको ठंडेपन का एहसास होगा, जो कि प्लास्टिक शेकर में बिल्कुल नहीं होगा। सिमिलरली बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जिम करने के बाद जिम में ही जो है प्रोटीन शेक पीना पसंद करते हैं, और वो जब जिम के लिए निकलते हैं तो अपने घर से ठंडा पानी में जो है प्रोटीन शेक बना के लेके जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी स्टेनलेस स्टील शेकर इज़ आ बेटर चॉइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटर एनवायरनमेंट की। चौथे पॉइंट में हम कवर करेंगे बेटर एनवायरनमेंट के बारे में। तो जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल है, मतलब ये एनवायरनमेंट में 100 साल भी ले सकता है ब्रेक डाउन होने के लिए, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, वाइल्ड लाइफ हैम्पर होती है। जबकि स्टेनलेस स्टील शेकर जो है वो एक रिसाइकलेबल मटीरियल है, तो एनवायरनमेंट के हिसाब से भी स्टेनलेस स्टील इज़ अ बेटर फॉर एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे कौन सा एक हेल्दियर ऑप्शन है, प्लास्टिक शेकर या स्टेनलेस स्टील शेकर। तो देखिए, प्लास्टिक में दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, BPA और फैलेट्स। ये दोनों कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं, और रिसर्चेस में ऐसा देखा गया है कि ये दोनों जो सब्सटेंस है ये आपके फूड में लीच हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में हो जा सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारी को पैदा कर सकते हैं। हालांकि FDA ने जब 100 ऑफ स्टडीज़ को रिव्यू किया तो उन्होंने ये बोला कि बहुत छोटी मात्रा में अगर BPA और फैलेट्स आपके बॉडी में चला भी जाता है तो वो कैंसर पैदा नहीं करता। तो रिसर्चेस जो है वो काफ़ी डिबेटेबल है इस चीज़ के बारे में, रिसर्चेस काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। इसलिए हम 100% सेफ्टी के साथ ये नहीं कह सकते कि प्लास्टिक जो है वो एक हेल्दी ऑप्शन है और एब्सोल्युटली सेफ है। तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील शेकर जो है वो एक क्लियर विनर है। आई नो कि BPA फ्री शेकर भी आते हैं, फैलेट्स फ्री शेकर भी आते हैं, बट
जो BPA फ्री शेकर और थैलेट्स फ्री शेकर भी होते हैं उसकी रिसर्च भी काफ़ी डिबेटेबल है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। इसलिए अपने हेल्थ को बेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टेनलेस स्टील शेकर लें, जो कि एक ज़्यादा बेटर चॉइस है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है प्राइस। जो प्लास्टिक शेकर है वो आपको 200 से 250 रुपये का एक पीस पड़ जाएगा, जबकि स्टेनलेस स्टील शेकर आपको 500 से 550 रुपये का पड़ेगा। तो आप पाएंगे कि प्लास्टिक शेकर और स्टेनलेस स्टील शेकर में ऑलवेज 300 रुपये का डिफरेंस रहता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है जब वो पहली बार देखते हैं कि यार स्टेनलेस स्टील शेकर तो महंगा है, चलो प्लास्टिक शेकर ही हम ले लेते हैं। पर गाइज, ये 300 रुपये का डिफरेंस आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेनलेस स्टील शेकर चलता ही जाता है, ना उसमें बदबू आती है, ना लीकेज की प्रॉब्लम होती है, ना क्रैक पड़ते हैं। तो अगर आप लंबे टाइम के बाद देखें, लंबे टाइम के हिसाब से सोचें, तो स्टेनलेस स्टील शेकर जो है वो बेटर वैल्यू फॉर मनी है, वो सस्ता है, वो महंगा नहीं है। प्लास्टिक शेकर आप 3 महीना यूज़ करेंगे, 4 महीना यूज़ करेंगे, पीला पड़ने लग जाएगा, उसमें से बदबू आने लग जाएगी, लीकेज की प्रॉब्लम होने लग जाएगी या फिर क्रैक हो जाएगा और आपको उसे फेंकना पड़ेगा। स्टेनलेस स्टील शेकर चलता ही जाता है। तो क्योंकि ड्यूरेबल है इसलिए प्राइसिंग डिफरेंस आप ना देखें, लंबे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप सोचें तो स्टेनलेस स्टील शेकर इज ऑलवेज वैल्यू फॉर मनी। ठीक है गाइस, तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और जितनी भी रिसर्चेस की मैंने बात की है, जो हेल्दियर ऑप्शन में मैंने रिसर्चेस की बात की है प्लास्टिक से रिलेटेड, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय।